Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will discuss about the anti-anginal drugs. Actually, angina pectoris or myocardial infarction, ये दो condition होती है. Angina pectoris के अंदर chest में pain होता है. ये ischemic heart disease का main symptom है. क्यों हो जाता है कि मायोकार्डियल जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है. एंजाइना पेक्टोरिस क्लिनिकली तीन तरह के होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और परमानेंट एंजाइना या प्रिंज मेटल एंजाइना जिसको अपन, या वेरियंट एंजाइना जिसको अपन कह रहे होते हैं. अब देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में मेनली मैंने कहा भाई एंजाइना पेक्टोरिस जो कि एक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, इसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी कंडीशंस आ रही होती हैं. इस डाइग्राम में देखिए आपको नॉर्मल कंडीशन बताई गई है कोरोनरी आर्टरी की. यहाँ पर एक्सर्शनल एंजाइना हो गया क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो है वो बन गया. एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की डिजीज़ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है और आप सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे. मैं ही आपको ये डिजीज़ पढ़ाऊंगी डिटेल में, हम वहाँ पढ़ेंगे कि क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस. जनरल बता देती हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस में इंटीमल प्लग बनता है. इसके अलावा वैसोस्पास्टिक एंजाइना में देखिए ये वैसल जो है वो स्पाजम हो गया वैसल में. अनस्टेबल एंजाइमा का डायग्राम आप देख सकते हैं और इन्फार्क्शन की कंडीशन भी आप इसमें देख सकते हैं. इसमें बता रखेंगे जो आपको गोले गोले से और ये दिखाए हुए हैं क्या चीज़ है, क्या बताया गया है. तो यहाँ बताया गया है गहरा पार्ट थ्रॉम्बस को बता रहा है, ये पतली सी लाइन एंडोथेलियल सेल्स की है, पर्पल कलर के न्यूट्रोफिल्स हैं, वाइट कलर की प्लेटलेट्स हैं और रेड कलर की आरबीसीज हैं. अब देखिए चेस्ट पेन के कारण क्या है, क्यों हो जाता है चेस्ट पेन. चेस्ट पेन पेरिकार्डाइटिस में हो सकता है, माइटल वॉल्व प्रोलैप्स में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, प्लूराइसी के अंदर, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम किसी को हो जाए, ट्रॉमा या रिब फ्रैक्चर हो जाए, चेस्ट वॉल ट्विंग सिंड्रोम हो जाए, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो जाए या ईसोफेजाइटिस और एक्यूट या क्रॉनिक गर्ड हो जाए, तब भी देखने को मिल रहा होता है चेस्ट पेन. पेरिकार्डाइटिस में क्या है, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, कई इन्फेक्शस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रीनल फेलियर और ट्रॉमा की वजह से. दूसरी कंडीशन माइटल वॉल्व प्रोलैप्स, इसमें माइटल वॉल्व जो है वो वर्क नहीं करता, प्रोलैप्स्ड हो जाता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो जाता है कि किसी कोई इन्फार्क्ट जो है वो लंग में चला जाए, कहीं और की कोई कंडीशन, कोई सॉलिड लिक्विड गैसेस मास अगर लंग में चला गया तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं. जनरली क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो लंग में चला जाता है. प्लूराइसी में चेस्ट पेन होता है क्योंकि लंग्स की प्लूरल लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, उसको प्लूराइसी कहते हैं. हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम के अंदर हाइपरवेंटिलेशन की वजह से पैनिक बाई फियर पर्सन बहुत डर जाता है तो उसको हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम कहते हैं. या फिर कोई ट्रॉमा हो गया हो, रिब में फ्रैक्चर हो गया हो, या चेस्ट वॉल ट्विंग सिंड्रोम जिसको अपन प्रीकॉर्डियल कैच भी कहते हैं, ये इंटरकॉस्टल मसल स्पाज़म की वजह से होता है. कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में कार्टिलेज का इन्फ्लामेशन हो जाता है रिब और स्टर्नम, रिब एंड और स्टर्नम के बीच में, और ईसोफेगाइटिस हो जाए, चाहे वो एक्यूट टाइप का हो चाहे वो क्रॉनिक टाइप का, गर्ड इसमें हो जाता है. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. अब हम ड्रग्स पढ़ते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स को हम पढ़ें तो एंजाइना पेक्टोरिस में रेफर्स टू अ स्ट्रैंगलिंग और प्रेशर लाइक पेन कॉज बाय कार्डियक इस्चीमिया. कार्डिया में इस्चीमिया क्योंकि मैंने कहा ना कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इम्बैलेंस आ जाता है, तो जिससे कार्डियक, और ये ऑक्सीजन में इम्बैलेंस ऑब्वियस है, ब्लड कम आ रहा होगा तो कार्डियक इस्चीमिया हो रहा है. कार्डियक इस्चीमिया के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर के साथ में सीने में दर्द हो रहा है. पेन यूजुअली सबस्टर्नल रीजन के अंदर होता है पर कई बार ये प्रिसीव्ड नेक, शोल्डर, आर्म और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी हो रहा होता है. विमेन के अंदर एंजाइना होता है लेटर एज में मेन के कंपैरिजन में, और काफ़ी कम देखने को मिलता है क्लासिक सबस्टर्नल पेन के जैसा इनमें दिखता है.
डायग्राम में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हेल्दी कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर प्लाक बन गया, यानी ये एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है, जिससे कि आर्टरी नैरो हो जाती है, ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाता है, ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, इस्चीमिया, कार्डियक इस्चीमिया। और उस इस्चीमिया की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, यानी हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया की वजह से एंजाइना कॉज हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स, देखिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो रोकती हैं या एबॉर्ट करती हैं या टर्मिनेट कर देती हैं एंजाइना पेक्टोरिस के अटैक को। अब एंजाइना पेक्टोरिस के अटैक को कम कर रही हैं, तो एंजाइना कितनी तरह का होता है, तो टाइप्स ऑफ एंजाइना को अगर अपन पढ़ें तो एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, जिसको अपन क्लासिक एंजाइना भी कहते हैं, ये सबसे कॉमन फॉर्म होती है। अटैक्स प्रेडिक्टली प्रोवोक्ड होते हैं स्टेबल एंजाइना में, एक्सरसाइज की वजह से, इमोशन की वजह से, खाने की वजह से, कोइटस की वजह से, और ये सबसाइड हो जाते हैं जब इंक्रीज डिमांड ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो अटैक आए थे वो सबसाइड भी हो जाएंगे अपने आप ही। रेस्ट की वजह से कार्डियक वर्क कम हो जाता है, तो यूजुअली कंप्लीट रिलीव मिल जाता है पेन के अंदर, तो पेन के अंदर मिल जाएगा आराम। तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना के बारे में मैंने बताया कि एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना जनरली जो है वो आराम करने से ठीक हो जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब और एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो है उसमें 90% एंजाइना के केसेस देखने को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें एंटी एंजाइना ड्रग्स में, तो टाइप्स ऑफ एंजाइना देखिए क्या क्या होते हैं। वैसोस्पास्टिक एंजाइना देखने को मिल रहा होता है, वैसोस्पास्टिक एंजाइना में क्या होगा, इसको अपन रेस्ट एंजाइना, वेरिएट एंजाइना या प्रिंजिमेटल्स एंजाइना भी कहते हैं। ये काफ़ी अन कॉमन फॉर्म है एंजाइना की। इसमें क्या होता है, अटैक जो है वो रेस्ट के समय भी आ रहा होता है, स्लीप के समय भी आ रहा होता है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वैसोस्पास्टिक एंजाइना रिस्पॉन्सिबल है लेस देन 10% एंजाइना के केसेस के लिए, मतलब जो हमने अभी पढ़ा था पहले एंजाइना, वो एंजाइना तो रेस्ट में ठीक हो जाता है, पर ये एंजाइना जो है वो रेस्ट में ठीक नहीं होता है, रेस्ट करने से ठीक नहीं होता, बल्कि रेस्ट में भी इसका पेन जो है वो सीवियर होता रहता है। थर्ड अनस्टेबल एंजाइना, जिसको अपन क्रेसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें आराम करने पर भी दर्द बढ़ता रहता है। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो फ्रैक्चर प्लाक में हो रहा है, या वैसोस्पाज़म, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है। अब एंजाइना पेक्टोरिस का ट्रीटमेंट देखिए, इसमें एंजाइना एक्सप्लॉइट में जो ड्रग्स यूज़ होती है उसकी एक्चुअली दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं उसकी, कि पहला तो क्या होता है भाई, एंजाइना के अंदर जो मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन डिमांड इसमें कम करनी है हमारे को, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, तो पहला हमारा एम होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिमांड कम कर रही है, और दूसरा ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा दीजिए। क्योंकि हुआ क्यों था एंजाइना, कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम हो गई थी, तो आप इसका जस्ट उल्टा उसमें ड्रग ऐसी दीजिए जो कि ऑक्सीजन क्या कर देता है, ऑक्सीजन की डिमांड को तो कम कर देगा और ऑक्सीजन की डिलीवरी को मायोकार्डियम में ज़्यादा कर देगा। ऐसी आपको ड्रग जो है वो देनी है इसके अंदर। अब दूसरा क्या करना है कि क्लासिफिकेशन देखिए कि फिर ये ड्रग किस तरह से क्लासिफाई हो रही हैं। क्लासिफिकेशन देखें अपन, तो देखिए एंजाइना पेक्टोरिस में वैसोडाइलेटर्स दे सकते हो, कार्डियक डिप्रेसेंट दे सकते हो, और दूसरी ड्रग्स भी अपन इसमें दे सकते हैं। दूसरी ड्रग्स दे सकते हैं तो देखो, सबसे पहले अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। दूसरी ड्रग्स के अंदर तो पहला मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर्स दे सकते हो, रेट इनहिबिटर्स दे सकते हो। कार्डियक डिप्रेसेंट में आप कैल्शियम ब्लॉकर्स दे सकते हो जैसे वेरापैमिल, और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो जैसे प्रोप्रेनोलोल।
वैसोडाइलेटर्स में आप नाइट्रेट्स दे सकते हो, कैल्शियम ब्लॉकर्स दे सकते हो। नाइट्रेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के ड्रग्स आती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आती है, इंटरमीडिएट में ओरल नाइट्रोग्लिसरीन आती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स जो हैं वो आती हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस के ड्रग्स को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया, यहाँ पर मैंने आपको एंजाइना पेक्टोरिस वाली ट्रीटमेंट के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बताया है। इसके अलावा अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नाइट्रेट्स, एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर या अदर्स फॉर्म में भी अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने के कई तरीके होते हैं। नाइट्रेट्स के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन आती है, और भी कई ड्रग्स आती हैं। एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलॉल आती है, कैल्शियम ब्लॉकर्स में वेरापैमल आती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में नाइकोरैंडल आती है, और अदर्स में एंटीप्लेटलेट एजेंट्स आते हैं। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन था इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाइट्रेट्स के बारे में, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर प्रोडक्ट्स विच रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रेट्स आर मेनली वेनोडाइलेटर्स, ऑल्सो कॉज आर्टेरियोलर डाइलेटेशन, हेंस रिड्यूस प्री लोड एंड आफ्टर लोड रेस्पेक्टिवली। तो नाइट्रेट्स शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जैसे ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट, GTN नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसॉर्बाइड, डाई नाइट्रेट, जो कि शॉर्ट एक्टिंग सब लिंगुअल रूट से दी जाती हैं दवाई, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट भी अपन दे सकते हैं, एराइथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा एराइथ्री टॉल टेट्रानाइट्रेट, ये सारी लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एंटीनोलॉल एंड अदर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के रूप में अपन जो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन, नाइट्रेट्स भी, एडिनर्जिक ब्लॉकर्स भी हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर हैं, अदर्स हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला नाइट्रेट्स अपन ने देखा, फिर बीटा ब्लॉकर्स जो मैंने कहा कि एडिनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, एडिनर्जिक में तो होते हैं अल्फा और बीटा, है ना, तो उसमें भी एडिनर्जिक में स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एंटीनोलॉल और अदर्स आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में फिनाइल एल्काइलामिन, बेंजोथायजापिन, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स आती हैं। अब फिनाइल में वेरापैमिल आती है, बेंजोथायजापिन में डिल्टियाजम आती है, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स के अंदर नाइफेडिपिन, फिलोडिपिन, एमलोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, नीमोडिपिन, लैसिडिपिन, लर्कैनिडिपिन और बेनिडिपिन ड्रग्स आती हैं। इसके बाद पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर मेनली नाइक्रोनडिल ही आती है, नाइक्रोनडिल एक ही ड्रग आती है, और अदर्स के अंदर कौन सी आती है, मैंने बताया था एक तो एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आते हैं, उसके अलावा डाइपायरिडामोल आती है, ट्राइमेटाजाडिन आती है, रेनोलाजिन आती है, आइवाब्रेडिन और ऑक्सीफेड्रिन नाम की ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा स्टैटिन भी इसके अंदर अपन पढ़ रहे होते हैं। एंटी प्लेटलेट्स में अपन लो डोज की एस्पिरिन दे सकते हैं, क्लोपिड्रोजरेल दे सकते हैं, प्रास्यूग्रिल दे सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइना ड्रग्स का हमने पढ़ा। दूसरा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी इसका किया जाता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में अपन एबॉर्ट करने के लिए, टर्मिनेट करने, अटैक को टर्मिनेट करने के लिए भी कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि GTN, आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट, जिसको सबलिंगुअली दिया जाता है। क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में अपन और भी कई ड्रग्स यूज़ करते हैं, बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए काम में लिया जाता है। अब नाइट्रेट, सबसे पहले उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स मैंने बताया ना, ये प्री लोड और आफ्टर लोड को कम कर रहा होता है, आर्टेरियल और डायलेटेशन कॉज करता है, वीनो डायलेटर्स होते हैं ये मेनली, ये प्रो ड्रग है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। तो प्री लोड रिडक्शन में ये क्या करता है कि पेरिफेरल प्लोलिंग करता है ये ब्लड की, जिससे कि वीनस रिटर्न कम हो जाता है, इसी को अपन कहते हैं प्री लोड को रिड्यूस करना, वीनस रिटर्न कम करने को प्री लोड रिड्यूस करना। आफ्टर लोड रिडक्शन का क्या मतलब है, नाइट्रेट्स जो हैं वो कुछ हद तक आर्टेरियो डायलेटेशन भी करते हैं, क्योंकि मैंने बताया वे मेनली तो ये वीनो डायलेटर्स हैं, इनका काम क्या है, वीनस को डायलेट करना, पर थोड़ा बहुत ही आर्टरी को भी डायलेट करते हैं, तो स्लाइटली ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो हार्ट पर आफ्टरलोड कर देते हैं, आफ्टरलोड ऑन हार्ट, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये कम करते हैं स्लाइटली।
तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। कोरोनरी फ्लो का रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आर्टीरियल ट्री में ये नाइट्रेट जो है प्रेफरेंशली रिलैक्स बिगर कंडक्टिंग को रिलैक्स करते हैं, जैसे एंजियोग्राफिकली विजिबली अगर आप देखोगे तो ये उसको रिलैक्स करने का काम करें कोरोनरी आर्टरीज को आर्टीरियल्स के कंपैरिजन में या रेजिस्टेंस वेसल्स के कंपैरिजन में ये बिगर कर देते हैं। अब नाइट्रेट्स और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, तो देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होती है, ऐसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने का काम करती है, मतलब ये उनका सोर्स है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल आइसोफॉर्म गुआनिलिल साइक्लेज की आइसोफॉर्म को एक्टिवेट करती है, जिससे कि इंट्रासेल्यूलर लेवल CGMP का बढ़ जाता है। CGMP जो है डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है मायोसिन लाइट चेन के अंदर और साइटोसोलिक कैल्शियम को कम कर देता है, जिससे कि स्मूथ मसल सेल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ टिश्यूज़ में जो स्मूथ मसल सेल्स है वो रिलीज हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे एक्चुअली, इस तरह से ये वर्क करती है। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर आप बकल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू देंगे या स्किन में देंगे या GIT में देंगे तो तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सभी नाइट्रेट्स आइसोसॉर्बाइड के अलावा आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट के अलावा सभी जो नाइट्रेट्स हैं उनका बहुत तेज़ी से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओरल बायो अवेलेबिलिटी नाइट्रेट की बहुत कम होती है, इसलिए इस ड्रग को सब लिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, जिससे कि तेज़ी से असर दिखाए, 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये अपना एक्शन दिखा देती हैं। स्किन के थ्रू भी ये स्लो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इस रूट को भी अपन अगर काम में ले रहे हैं तो वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट दिखाने के लिए काम में लेते हैं। इसके अंदर सिलडेनाफिल जो है वो काफ़ी पोटेंशियल वैसोडाइलेटर है, नाइट्रेट का काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा होता है और ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर देता है और इसकी वजह से सडन डेथ कॉज हो सकती है, भाई इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसलिए नाइट्रेट को जो है वो 24 घंटे नाइट्रेट शुड बी अवॉइडेड फॉर 24 आवर्स आफ्टर सिडनाफिल इनटेक। सिडनाफिल के साथ इसको कभी नहीं देना चाहिए, अगर आप दे रहे हैं तो 24 घंटे के बाद ही आप देंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्शन ऑफ नाइट्रो डायलेटर्स लाइक ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैसे अपना असर दिखा रही है, वो CGMP वाला पाथवे जो अभी हमने बोला था कि GTP से CGMP बना और CGMP जो है वो कैल्शियम चैनल के अंदर अपना असर दिखा रहा था, जो अभी तक हमने बात बोली थी उस डायग्राम के अंदर, वो इस पूरे डायग्राम के अंदर, वो जो थ्योरी है वो इस पूरे डायग्राम के अंदर दिखाई गई है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें हमने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो है वो NO का सोर्स है नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सॉल्यूबल आइसोफॉर्म ग्लुएनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, जिससे इंट्रासेलुलर लेवल CGMP का बढ़ जाता है। CGMP डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा मायोसिन लाइट चेन के अंदर, जिससे साइटोसोलिक कैल्शियम कम हो जाएगा और स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई मसल्स थी उसको रिलैक्स करने का काम कर रहा है। अब इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, इस ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स वैसे मैंने अभी आपको बोल के बताई थी कि कैसे कैसे अपन इसको देंगे। देखिए इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए बकल म्यूकोसा इंटेस्टाइन और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए। ओरली इसको दे सकते हैं केवल आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट के अलावा। तो इसमें बहुत तेज़ी से एक्सटेंसिव और वेरिएबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, ये रैपिडली डीनाइट्रेटेड हो जाती है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के साथ में और माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज के साथ में। ये फार्मेकोकाइनेटिक्स दिखाई गई है कि कैसे कैसे 2 मिनट में 25 मिनट में 35 मिनट के अंदर 4 से 8 घंटे के अंदर कैसे रिलीज़ हो रही है। सब लिंगुअल आप देंगे तो 2 मिनट में अपना असर दिखा देगी, सब लिंगुअल टैबलेट या स्प्रे आप देते हो तो, और 25 मिनट तक ये अपना असर दिखाई देगी। 2 मिनट में तो इसका असर शुरू होएगा और 25 मिनट तक इसका असर रहेगा, जबकि आप ओरल रूट दे रहे हो या सस्टेन रिलीज इसका कर रहे हो तो 35 मिनट में असर दिखाना शुरू करेगी और 4 से 8 घंटे तक अपना असर दिखाएगी। और ट्रांसडर्मल अगर आप इसको दे रहे हो तो 30 मिनट में ये अपना असर दिखाना शुरू करती है और 10 से 12 घंटे तक आप असर दिखाते हैं।
ये मेडिसिन जो पर्सन की बॉडी में असर दिखाती है। नाइट्रोग्लिसरीन की एक खासियत है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट अगर आप सब लिंगुअल देंगे तो 5 मिनट में असर दिखना शुरू होता है और 1 घंटे तक उसका असर रहता है। ओरल देंगे स्लो रिलीज होएगा तो ये आधे घंटे में अपना असर दिखाना शुरू करेगी और 8 घंटे तक ये अपना असर दिखाएगी। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट ओरल दे सकते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज इसका आधे घंटे में असर दिखाएगी और 12 से 24 घंटे तक ये अपना असर दिखाएगी। तो काफ़ी इसका एक्सटेंडेड रिलीज हो जाता है जब आप ओरल रूट से इसको दे रहे होते हैं। तो ये तीनों रूट से कितनी कितनी देर में कैसा कैसा असर दिखाएगी वो इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा बताया गया है। अब भाई इस नाइट्रेट्स के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, दवाइयों के सबके ही होते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या है इसका कि ये एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन, एडवर्स इफेक्ट्स आर ड्यू टू एक्सटेंसिव वैसोडाइलेटेशन, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वैसोडाइलेटेशन कर देती हैं तो उसकी वजह से हेडेक रहने लगता है, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, टैकाइकार्डिया, पाल्पिटेशन, फ्लशिंग एंड रेयरली सिनकोप भी हो जाता है। तो हेडेक सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है नाइट्रेट का। हाई डोज नाइट्रेट की दे दो तो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग, चेहरे पर अचानक से बहुत तेज पसीना आ जाएगा, गर्मी लगी होगी और टैकाइकार्डिया हो जाता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 5 इनहिबिटर जैसे कि सिल्डेनाफिल पोटेंशिएट करती है नाइट्रेट के एक्शन को टू प्रिक्लूड द डेंजरस हाइपोटेंशन, डेंजरस हाइपोटेंशन को प्रिक्लूड करने के लिए। और ये कॉम्बिनेशन इसी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो सिल्डेनाफिल के साथ में नहीं देना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको। अगर देनी है नाइट्रेट तो फिर सिल्डेनाफिल लेने के 24 घंटे बाद ही आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। अब नाइट्रेट का टॉलरेंस देखिए, टॉलरेंस टू द एक्शन ऑफ नाइट्रेट डेवलप्स रैपिडली एज द ब्लड वेसल बिकम डीसेंसिटाइज टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो डीसेंसिटाइज हो जाएंगी, तो जो नाइट्रेट का एक्शन का जो टॉलरेंस है वो इस वजह से तेज़ी से डेवलप होता है। टॉलरेंस को आप ओवरकम कर सकते हैं डेली नाइट्रेट फ्री इंटरवल के द्वारा प्रोवाइड करवा करके, ताकि ड्रग की सेंसिटिविटी वापस से रिस्टोर रह सके। तो आप थोड़ा इंटरवल दीजिए, ऐसा नहीं कि तुरंत एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी दवाई आप उसको देते जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। डिपेंडेंस हो जाता है, ये तो टॉलरेंस के बारे में। अब डिपेंडेंस अगर आप अचानक से ये दवाई, क्योंकि हमने कई बार दी है ये मेडिसिन, मैंने कहा भाई रिपीटेड दे रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा फ्री इंटरवल देना चाहिए, तो रिपीट देने से क्या होता है पर्सनल डिपेंडेंस आ जाती है। तो जब आप ऐसे केस में सडन विड्रॉल उस दवाई को एकदम से बंद कर देंगे लंबे समय तक देने के बाद, अगर आप अचानक से छोड़ देंगे तो उससे कोरोनरी और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में स्पाज़म आ जाएगा। तो इसलिए आपको नाइट्रेट को एकदम से नहीं छुड़वाना चाहिए, धीरे धीरे छुड़वाइए, उसकी डोज कम करते जाइए और फिर आप धीरे धीरे उसको छुड़वा दीजिए। इसके यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो एंजाइना में, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह के अंदर आप इसका, या कंजेसिव कार्डियक फेलियर किसी को हुआ, बिलियरी कॉलिक और साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी आप दे सकते हो, इसका यूज़ किया जा सकता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है भाई, GTN जो है वो प्रोड्यूस रिलीफ विद इन 3 मिनट इन 75% पेशेंट। अगर आप ये नाइट्रेट्स उसको दे रहे हैं तो 75% केस में 3 मिनट के अंदर अंदर ये अपना असर दिखाता है, और बाकी रेस्ट के अंदर थोड़ी सी दूसरी डोज देनी पड़ती है या फिर लंबे समय बाद, कई बार 9 मिनट के बाद ये अपना असर दिखाता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अगर किसी को है तो नाइट्रेट काफ़ी अच्छा यूज़फुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्री लोड को कम कर देता है और कोरोनरी फ्लो को भी बढ़ा देता है। MI के अंदर GTN जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है इवॉल्विंग MI के दौरान, ताकि चेस्ट पेन में आराम हम उसको दे सकें पर्सन को, और पल्मोनरी कंजेशन से भी उसको बचा सकें, और नेक्रोसिस जो उसकी वजह से हो रहा है MI की वजह से उसके एरिया को लिमिटेड कर सकें, फेवरेबल ऑल्टरिंग कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस की मार्जिनल पार्शली इस्चेमिक जोन के अंदर, तो उससे ऐसे कोई कंजेशन के केसेस भी देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। अब इसका और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो कंजेसिव हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर में अपन यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट LVF के अंदर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रेट जो है अफोर्ड रिलीफ बाय वीनस पूलिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ये ब्लड का वीनस में पूलिंग कर रहा होता है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है यानी प्रीलोड,
और डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल का वॉल्यूम जो है एंड डायस्टोल का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिससे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो उसमें हम दे सकते हैं बिलियरी कॉलिक में दे सकते हैं, ईसोफेजियल स्पाज़म में दे सकते हैं, साइनाइड की पॉइजनिंग में आपको बता चुकी थी थोड़ी देर पहले, मैंने इसका नाम लिया था, नाइट्रेट की वजह से मीथेन मेट हीमोग्लोबिन जो है वो जनरेट होता है, तो साइनाइड की पॉइजनिंग में राहत मिल जाती है, किसी ने साइनाइड खा लिया हो तो अपन ये दे सकते हैं। तो मेट हीमोग्लोबिन जो है जिसकी हाई एफिनिटी होती है साइनाइड रेडिकल के साथ में, तो ये साइनोमिथ है मेट हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो साइनाइड की पॉइजनिंग का असर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू इनएक्टिव द साइनाइड इन सेल, सेल में साइनाइड को सेल के अंदर साइनाइड इस तरह से ख़त्म होता है, क्योंकि साइनाइड को कौन बाइंड कर लेगा, मेट हीमोग्लोबिन जो कि नाइट्रेट की वजह से बना था, तो साइनाइड को ये ख़त्म कर देता है। तो सोडियम थायोसल्फेट भी अपना एडमिनिस्टर कर सकते हैं साइनाइड को एक्सक्रीट करवाने के लिए, इसके अलावा अपन ये भी काम में ले सकते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट तो हो गया, नाइट्रेट के बाद मैंने कहा था एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं, तो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स जो है। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, इन दवाइयों की एक क्या खासियत है कि ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कम कर देंगे ऑक्सीजन डिमांड को मायोकार्डियम में, क्योंकि ये बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और बीपी भी कम हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर जो है वो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन रखते हैं और इसका एंजाइनल प्रोफाइल एक्सेस में भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। ये एक्साइज टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं और एंजाइनल एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। इनको भी हमारे को ऐसे एकदम से छुड़वा नहीं देना चाहिए कोई पर्सन अगर ले रहा है तो, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होकर के डेंजरस एरिदमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर सकते हैं। तो जो सभी बीटा ब्लॉकर्स हैं नियरली इक्वली इफेक्टिव होते हैं ये अटैक की सीवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। इसके अलावा ये एक्सरसाइज के टॉलरेंस को बढ़ाते हैं जैसे क्लासिकल एंजाइना में होता है, कार्डियो सेलेक्टिव एजेंट्स जैसे एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल इनको प्रेफर किया जाता है नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर्स के जगह पर, प्रोपेनोलॉल की जगह पर एंटीनोलॉल और मेटाप्रोलॉल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एजेंट्स अगर अपन इन एजेंट्स को इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी के साथ में आईएसए के साथ जैसे पिंडोलॉल के साथ में दे रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए उन पेशेंट्स में जिनमें एंजाइना है या जिनमें एमआई होने का खतरा है, उनमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थर्ड जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स हो गया। तो अब नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर डाइहाइड्रोपाइरिडिन डीएचपीज आते हैं और दूसरी आती है डीएचपीज में नाइफाडिपिन एसआर अमायो एम्लोडिपिन नाइमोडिपिन और नीकार्डिपिन आती हैं, अदर्स में वेरापैमिल और डिल्टियाजैम नाम की ड्रग्स आ रही होती हैं। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स में तीन टाइप्स होते हैं, एल टाइप टी टाइप और एन टाइप। एल टाइप लॉन्ग लास्टिंग करंट, टी टाइप ट्रांजिएंट करंट और एन टाइप जो है न्यूरोनल करंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं इसका ये फंक्शन वगैरह, आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। अपन इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इस चार्ट को पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा हमारे पास और भी कई पॉइंट्स हैं पढ़ने के। चार्ट तो आप खुद से पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कैसा अपना फंक्शन कहाँ पर ये लोकेट हैं, कहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, इनएक्टिवेशन रेट क्या है, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड क्या है। तो एक्टिवेशन जो है एल टाइप का काफ़ी तेज होता है जबकि टी टाइप का थोड़ा लो होता है और एन टाइप का मीडियम टाइप का एक्टिवेशन होता है। इनएक्टिवेशन एल टाइप का स्लो होता है, धीरे धीरे इनएक्टिवेट होती हैं, टी टाइप तुरंत इनएक्टिवेट हो जाती हैं, एन टाइप मीडियमली इनएक्टिवेट होती है। लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और क्या क्या फंक्शन कर रही हैं, तो एल टाइप एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं दोनों कपलिंग में कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अंदर। इसके अलावा ऐसे एवी नोड में पाई जाती है कंडक्टिविटी के लिए, एंडोक्राइन सेल्स में हार्मोन रिलीज के लिए, न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमीटर रिलीज का काम करती हैं। और एग्जांपल ब्लॉकर वेरापामिल का नाइफेडिपिन डिल्टाजैम और वेरापामिल इसके एग्जाम्पल्स हैं। टी टाइप जो है ऐसे नोड पर आ जाती है, पेसमेकर एक्टिविटी के साथ जुड़ी हैं, टी करंट और रिपीटेटिव स्पाइक्स
जो थैलेमिक और दूसरे न्यूरॉन्स में होती है वहाँ पर वर्क कर रही हैं, एंडोक्राइन सेल्स में हार्मोन रिलीज करती हैं और कुछ आर्टरीज में ये कॉन्स्ट्रिक्शन काम करती हैं। इसमें माइबेफ्राडिल और फ्लुनारिज़िन नाम के ड्रग्स और इथोसफाक्सिमाइड ड्रग आती हैं। मीडियम में जो हैं केवल न्यूरॉन्स जो CNS में होते हैं उस पर पाई जाती है, सिंपथेटिक और मायंट्रिक प्लेक्सस में पाई जाती है और ट्रांसमीटर रिलीज का ये काम करती है। कोनोटॉक्सिन, ओमेगा कोनोटॉक्सिन इसके अंदर ब्लॉकर हम पढ़ते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मैंने बताया फिनाइल एल्काइलामिन में वेरापामिल आती है, बेंजोथाइजापिन में डाल्टियाजम आती है, डाइहाइड्रोपायरिडिन में निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्राडिपिन, नाइमोडिपिन, लेसिडिपिन, लेरकानिडिपिन और बेनेडिपिन आती हैं। ये ड्रग्स के नाम हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखिए भाई इन सभी का। अपन फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसको वापस से देख लेते हैं। इसमें जो फिनाइल एल्काइलामिन है ये हार्ट को प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट कर देती है, उसको पर एक्शन अपना दिखा रही होती है, FOC को कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है, SA नोड को डिप्रेस कर देती है। बेंजोथायजेपिन जो है जिसके अंदर अपन डाल्टियाजम पढ़ते हैं ये पेरिफेरल और कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है, इसका मतलब डायलेटरीज की प्रॉपर्टी होती है। डाइहाइड्रोपायरिडिन जो है पोटेंशियली आर्टीरियल डायलेटर्स होती है और ये PVR को कम करती है। अब अपन इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ते हैं। ये सभी की सभी जो है GIT के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। स्मूथ मसल्स पे ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये रिलैक्स कर देते हैं स्मूथ मसल्स को, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर अवेलेबिलिटी जो है वो कैल्शियम की उसको कम कर दें, कैल्शियम को सेल में अवेलेबल नहीं होने देते, जिससे कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो DHPs डाइहाइड्रोपायरिडिन्स हैं वो मोस्ट मार्क्ड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। वैसोडायलेटर इनका एक्शन होता है। वेरापामिल थोड़ी बहुत वीकर है डाल्टियाजम के साथ में। अब आप देखिए कि नेक्स्ट क्या है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है हार्ट के ऊपर ये दिखा रही होती हैं। हार्ट के ऊपर क्या एक्शन दिखाएंगी, कैल्शियम इन्फ्लक्स का ये एक्शन दिखाती हैं। हार्ट के ऊपर क्या एक्शन दिखाएंगी कि ये इश्चीमिया में कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है बढ़ जाता है। एक्चुअली हार्ट में इश्चीमिया की कंडीशन अगर है तो कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है, हाइपोक्सिया जिसकी वजह से प्रोड्यूस होएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देंगे कार्डियक में, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर कोरोनरी और सिस्टमिक आर्टरियल बेड को अगर आप देखेंगे, और स्मूथ मसल टोन को ये कम कर देते हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, और आफ्टर लोड में ये अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं। इस तरह से इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। दूसरा फिनाइल एल्काइलामिन जो हमने पढ़ा ये आर्टीरियल्स को डायलेट करता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये कम कर देता है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को AV कंडक्शन को स्लो कर देता है, डायरेक्टली हार्ट रेट को कम कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करता है, BP को कम करता है, ऑक्सीजन डिमांड को भी ये कम कर देता है। इसका कुछ अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी इसके अंदर पाई जा रही होती है, क्योंकि वैसे तो ये अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है पर थोड़ा बहुत इसमें अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। वेरापामिल जो है उसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है एम्लोडिपिन के कंपैरिजन में, पर ये वीकर वैसोडायलेटर है। वेरापामिल जो है बीटा ब्लॉकर के रूप में नहीं दी जाती है। डिजॉक्सिन, कार्डियक डिप्रेशन जैसे कि क्विनिडिन और डाइसोपिरामिड के साथ में जो है वो नहीं दी जाती हैं बीटा ब्लॉकर के साथ में। डिजॉक्सिन, कार्डियक डिप्रेशन जैसे कि क्विनिडिन और डाइसोपिरामिड के साथ में वेरापामिल नहीं देनी चाहिए हमारे को। नेक्स्ट है बेंजोथाइजापिन, इसको डाल्टियाजम कहते हैं। डाल्टियाजम इसके अंदर मतलब आती है, इसको कहते क्या है, इसके अंदर इसकी कैटेगरी है। डाल्टियाजम जो है वो स्लो AV कंडक्शन करवा रही होती हैं,
क्योंकि मैंने पढ़ा है ना डेल्टा सिम के बारे में, पहले आपको बताया था कि ये पेरिफेरल और कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देती हैं, इसकी डायलेटरी प्रॉपर्टी होती है पर डीएचपी से कम डायलेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ये नेगेटिव आइनोट्रॉपिक और कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाती हैं, एंजाइना हाइपरटेंशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं और इसका एडवर्स इफेक्ट में ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, हेडेक होता है, एडिमा हो जाता है और एवी ब्लॉक होता है, पर एवी ब्लॉक बहुत रेयरली होता है। तो डेल्टा सिम क्या है, स्लो एवी कंडक्शन है जिससे कि ये डिक्रीज कर देती हैं साइनस नोड पेस मेकर से फायरिंग की रेट को। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेटर भी ये है, मतलब कोरोनरी आर्टरी का वैसोडाइलेशन ये करती है। डेल्टा सिम जो है कोरोनरी आर्टरी स्पाजम में भी रिलीव दे रही होती है, पर्टिकुलरली ये उन पेशेंट्स में यूजफुल है जिनमें वेरियंट एंजाइना हो रहा हो। ये थोड़ी बहुत लेस पोटेंट वैसोडाइलेटर है जो कि निफेडिपिन और वेरापामिल के कंपैरिजन में ये लेस पोटेंट वैसोडाइलेटर है। इसका मॉडस्ट डायरेक्ट नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन है मैंने आपको बताया, पर डायरेक्ट डिप्रेशन ये कर रही है ऐसे नोड का और एवी कंडक्शन ये वेरापामिल के जैसे ही करवाती हैं। इसके अलावा डीएचपी जो डाइहाइड्रोपिरिडिन है ये भी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसके अंदर निफेडिपिन अपन पढ़ेंगे। निफेडिपिन एक डीएचपी का प्रोटोटाइप है जिसका रैपिड ऑनसेट है पर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये आर्टेरियल डायलेटेशन कॉज करवाएंगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देंगी। निफेडिपिन यूजुअली अपन एडमिनिस्टर करते हैं एज एन एक्सटेंडेड रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन के रूप में। ये डायरेक्ट डिप्रेसेंट एक्शन दिखाती है हार्ट पर, अगर हायर डोज में अपन दिखाते हैं तो हार्ट पर ये डिप्रेसेंट एक्शन दिखाएगी डायरेक्टली। एडीआर इसके फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट के रूप में आपको पाल्पिटेशन, चेहरे पर तेज पसीना आना, एंकल में एडिमा हो जाना, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगी, सर दर्द होगा, ड्रॉजीनेस हो जाएगी, नोजिया हो जाएगी। निफेडिपिन पैराडॉक्सिकली एंजाइना को कुछ पेशेंट्स के अंदर एंजाइना की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। इसके अलावा दूसरी डीपीएच के अंदर अपन एमलोडिपिन, नाइट्राडिपिन, लेसेडिपिन भी पढ़ते हैं। एमलोडिपिन ओरली डाइहाइड्रोपिरिडिन, ओरल डाइहाइड्रोपिरिडिन है जिसका फंक्शन है आर्टेरियोलर वैसोडाइलेशन करना। नाइट्राडिपिन जो है ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर है और साथ में ये वैसोडाइलेशन एक्शन भी अपना रखती है। वैसोडाइलेशन एक्शन इसका क्यों होता है, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है एंडोथीलियम से और सी ए एम पी फॉस्फोडाइएस्टरेज को ये रोक देती है। लैसेडिपिन जो है वो हाईली वैसो सेलेक्टिव न्यू डीएचपी है, आजकल काफ़ी काम में ली जा रही है। निमोडिपिन शॉर्ट एक्टिंग डीएचपी है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, इसलिए क्यों कर जाती है, क्योंकि ये हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी अपनी रखती है इसलिए ब्रेन में भी चली जाती है। डीपीएच लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के साथ में लैरकिनिडिपिन और बेनेडिपिन के रूप में दी जा सकती है। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस किस की कितनी कितनी बायो अवेलेबिलिटी, जैसे वेरापामिल के 15-30% बायो अवेलेबिलिटी है, डेल्टा सिम की 40-60% बायो अवेलेबिलिटी। क्या होती है कि ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगी और ब्लड से वो हमारे टिश्यूज़ को कितनी अवेलेबल होगी, जैसे आईवी जब हम किसी की देते हैं तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो वेरापामिल 15-30%, डेल्जरामिन 40-60%, निटाडिपिन 30-60%, फेलोडिपिन 15-25% और एमलोडिपिन 60-65% इसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है। नीचे के तीन के जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं फेलोडिपिन और एमलोडिपिन के तो होते ही नहीं है, वेरापिल और डेल्टियाजम के होते हैं और निफेडिपिन के बहुत कम पाए जाते हैं। एलिमिनेशन 4-6 घंटे में वेरापामिल हमारी बॉडी से निकल जाती है, डेल्टियाजम जो है 5-6 घंटे, नेक्स्ट को 2-5 घंटे लगते हैं, उससे नेक्स्ट 12-18 घंटे फेलोडिपिन और एमलोडिपिन जो है वो 35-45 घंटे के बाद हमारे बॉडी से निकलती है, मतलब ये इनकी हाफ लाइफ है। अब इनका यूज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का अपन को सेफली हम यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जैसे सीओपीडी हुआ हो या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ किसी को हुआ हो जिनमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, उनमें अपन ये दवाई दे सकते हैं। सीसीबीज का यूज़ अपन एंजाइना पेक्टोरिस में, हाइपरटेंशन में, कार्डिक एरिदमिया में और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में लेते हैं। हाइपरट्रॉफी की वजह से मतलब हार्ट की सेल्स होती है बढ़ जाती है, उसका नंबर बढ़ जाता है, तो कार्डियोमायोपैथी ये मैं आपको पढ़ाऊंगी।
पैथोलॉजी के अंदर ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ाऊंगी, हाइपरटेंशन के बारे में तो आप वैसे भी खैर जानते हैं, और कार्डियक एरिथमिया जिसमें रिदम बिगड़ जाती है हार्ट की। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम चैनल के बाद में पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जिसमें निको रैंडल नाम की दवाई आ रही होती है। पोटेशियम चैनल ओपनर्स, ये एक ही दवाई अपन इसमें पढ़ते हैं निकोरैंडल, इसको ऑरली एडमिनिस्टर किया जाता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अपना दिखाता है और कोई भी टॉलरेंस इसकी वजह से नहीं होती। इसके साइड इफेक्ट में हेडेक, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलती है। देखिए तो ये एक एंटी एंजाइनल एक्शन है निकोरैंडल का, जो कि ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल की वजह से ये मीडिएट होता है, और ये हाइपर पोलराइजिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको हाइपरली पोलराइज्ड कर देती है। निकोरैंडल जो है वो बहुत अच्छे से ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, नियरली ये कम्प्लीटली लीवर में मेटाबोलाइज भी हो जाती है, और यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाती है। अगर आप IV इसको देंगे तो एंजियोप्लास्टी के दौरान, आप एक्यूट MM में अगर एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो आप इसको IV दे सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अपना असर दिखा रही होती है। एडवर्सली फ्लशिंग, पैल्पिटेशन, वीकनेस, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करती है। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, निकोरैंडल जो है वो पोटेशियम चैनल को खोलेगी, जिससे आर्टरी डायलेट हो जाती है और वीनस डायलेट हो जाता है। आर्टरी डायलेट होने से आफ्टर लोड कम होएगा और वीनो डायलेशन से प्री लोड कम हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसके अलावा कुछ दूसरी एंटी एंजाइनल ड्रग जैसे कि डाइपैरिडामोल, ट्राइमेटाजिडिन, रेनोलाजिन और आइवाब्रामिड और ऑक्सीफेड्रिन नाम की ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले डाइपैरिडामोल जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, इसलिए कोरोनरी डायलेटर है, कोरोनरी में प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देती। प्लेटलेट्स अगर एग्रीगेट हो गई तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, इस्केमिक कंडीशन अराइज हो जाती है, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है। ट्राइमेटाजिडिन जो है ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, जो कि नॉन हीमोडायनामिक मैकेनिज्म अपना रखती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि ये सेलुलर टॉलरेंस को इम्प्रूव करती है इस्चीमिया की वजह से होने वाले। रेनोलाजिन जो है ये नई एंटी एंजाइनल ड्रग है, प्राइमरली ये सोडियम करंट को जो है वो इनहिबिट कर देती है मायोकार्डियम के अंदर। आइवाब्रामिड जो है ये प्योर हार्ट रेट को लोअर करने वाली एंटी एंजाइनल ड्रग है, जिसको आपने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया बीटा ब्लॉकर को अल्टरनेट करने के लिए। ये कार्डियक पेसमेकर को ब्लॉक कर देती है, और फिर ऑक्सीफेड्रिन ये मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम कर रही होती है। अब ये इन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है CVD में, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में, ये क्या क्या एक्शन दिखा रही है। RHD के अंदर केवल 1%, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में 6% अपना असर दिखा रही हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में 46%, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में 34%, इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीज़ में 2% और अदर CVDs में 11% ये अपना असर दिखा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CVD डेथ्स इन मेल्स, मेल्स में ये डेथ का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन इन बीमारियों की वजह से हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर आप देखिए RHD की वजह से केवल 1% मौतें हो रही है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में 7%, इस्केमिक में 38, सेरेब्रोवैस्कुलर में 37, इन्फ्लामेटरी में 2% और अदर CVD में 14% ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। कैसे बचा सकते भाई, टोबैको का यूज़ को बंद कर दीजिए, ज़्यादा एक्टिव बन जाइए, बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाइए और गुड न्यूट्रिशन लीजिए, तो आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। टोबैको यूज़ में टोबैको स्मोक को, स्ट्रेस को हटाइए, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है, इसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो उसको आपको दूर करना है। एक्टिव होने का मतलब है फिज़िकल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, स्ट्रेस, हाई BP, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी से जुड़ी हुई कंडीशन है ये। और गुड न्यूट्रिशन का मतलब है अल्कोहल नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, हाई BP, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मेलेटस, ओबेसिटी, इनसे जुड़ी हुई कंडीशंस। इसके साथ आपका ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल गई हैं। आपको दवाइयों के नाम तो देखे, सीधी सी बात है आपको याद करनी है, और उनके इफ़ेक्ट आपको समझा मैंने दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।